please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर किस तरीके से बुक के लिए कवर पेज डिज़ाइन करना सीखेंगे, यानी कि बैक टू बैक बुक के लिए A4 साइज पर कवर पेज किस तरीके से क्रिएट करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना है। यहाँ पर देखिए, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019 वर्जन है। अगर आपके पास जो भी वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो आप आसानी से यहाँ पर बुक के लिए बैक टू बैक कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लेआउट के अंदर क्लिक करता हूँ। लेआउट के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं सिंपली यहाँ पर साइज़ के अंदर क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखिए, साइज़ के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर E4 साइज़ क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्रिएट करने के बाद दोस्तों, सिंपली मैं यहाँ पर मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ नैरो। तो आप भी इसी तरीके से मार्जिन नैरो ही सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, और फिर से उसके बाद आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन पर क्लिक करते हुए लैंडस्केप चूज़ करना है, यानी कि पेज लैंडस्केप पर डिज़ाइन करना है। तो लैंडस्केप पर पेज इस तरीके से आ चुका है दोस्तों। अब आने के बाद आपको सिंपली इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है। बैक टू बैक पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए, इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए, शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए आपको शेप सेलेक्ट करना है दोस्तों, रेक्टेंगल शेप्स। तो सिंपली मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको जाना है दोस्तों फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर हाइट वेट दिख जाएगा। सिंपली आपको हाइट रखना है 8.27 इंचेस, और वेट रखना है दोस्तों 5.3 इंचेस। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 5.3 इंचेस रखना है। उसके बाद सिंपली इंटर करना है। इंटर करने के बाद सिंपली आपको शेप आउटलाइन नो आउटलाइन करना है दोस्तों। उसके बाद ध्यान से देखिए, साइज रखना है दोस्तों 8.27 इंचेस और 5.3 इंचेस। तो सिंपली इस तरीके से एक साइड के ऊपर आपको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद सिंपली आपको इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपको इसको नीचे की तरफ रखना है इस तरीके से। तो रखने के बाद दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुके। ये फ्रंट है, ये बैक है। बीच पर आपको बुक के लिए फोल्डेड बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए, शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए फिर से आपको रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है, और इस तरीके से रेक्टेंगल शेप्स यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको आउटलाइन रिमूव करना है, कॉलर देना है दोस्तों। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हुए ग्रेडियंट कॉलर देना है दोस्तों। आपको यहाँ पर जो भी आपको ग्रेडियंट पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसको सभी को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी ग्रेडियंट लगा था, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं ये वाला ग्रेडियंट और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कॉलर लाइट ब्लू। और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये वाला ग्रेडियंट, और इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा दोस्तों, दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगता है। और उसके बाद ये वाइट कलर रखना है दोस्तों, आपको यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट करना है, और इसको भी आपको ट्रांसपेरेंसी थोड़ा ही कम करना है। और ब्राइटनेस वगैरह आपको कम ज़्यादा करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेंटर की तरफ भी डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, अब आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए फिर से शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए आपको शेप्स सेलेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल शेप्स, और फिर से इस तरीके से यहाँ तक इस तरीके से आपको रेक्टेंगल शेप्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों आपको इसको कलर चेंज करना है। आपको जो कलर पसंद है चेंज कर लीजिए, बाद में आप इसको कलर वगैरह आपको एडिट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर से फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हुए शेप इफेक्ट के अंदर क्लिक करते हुए, यानी कि एडिट शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए एडिट पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से लेकर जाऊँगा, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से हैंडल को लेकर आऊँगा। लेकर आने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरीके से शेप्स क्रिएट हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, इस शेप्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट पर जाकर आउटलाइन नो करना है, रिमूव करना है। तो उसके बाद सिंपली आपको इसी शेप्स को कॉपी करना है, कंट्रोल डी, यानी कि जो भी आपको पसंद है कंट्रोल होल्ड करते हुए भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली ये वाला कलर सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो ग्रेडियंट फील बना सकते हो दोस्तों। इसके ऊपर आपको जीरो करना है, और इसको भी आपको ब्राइटनेस जीरो करना है, यानी कि आपको यहाँ पर जीरो करना है 0%, और यहाँ पर भी आपको 0% करना है। तो यहाँ पर आपको जो कलर पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कलर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा 50% के आसपास रख दूंगा,
यानी कि जीरो कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैनेज करना चाहूँगा, तो यहाँ पर इस तरीके से मैनेज हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट करते हुए इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से रख देता हूँ। रखने के बाद दोस्तों इसको फिर से मैं एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करते हुए ये एडिट पॉइंट थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ रख देता हूँ। रखने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करना है। फिर से आपको इसी शेप्स को क्लिक करना है, कंट्रोल डी, यानी कि इस वाले शेप को भी आप क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल डी करना है डुप्लीकेट, इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। और इसको थोड़ा सा आपको जो कलर पसंद है यानी कि ग्रेडियंट वगैरह बनाने हैं तो आप बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर देना चाहूँगा, ये वाला ग्रीन कलर, तो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से, ताकि दिखने में काफ़ी कलर अच्छा लगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखूँगा, सेंड बैकवर्ड करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से इस तरीके से आ चुका है। इसको मैं शिफ्ट होल्ड करते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगा, तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। क्रिएट होने के बाद दोस्तों फिर से आपको जो जो कलर वगैरह आपको मैनेज करना है तो आप मैनेज कर लीजिए। फिर से इसी को कंट्रोल डी करना है और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ या फिर आपको नीचे की तरफ इस तरीके से रखना है तो आप रख सकते हो। फिर से आपको ग्रेडियंट कलर वगैरह देना है तो आप दे सकते हो। तो मैं फिर से यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट सा ग्रेडियंट कलर देना चाहूँगा, ये वाला। आप चाहे तो जो भी कलर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से आपको ग्रेडियंट वगैरह बना सकते हो। उसके बाद आपको एडिट शेप्स के अंदर क्लिक करते हो, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से रखना है और इस शेप्स को भी आपको ग्रेडियंट फिल देना है। तो आपको यहाँ पर इसको रेड कलर सेलेक्ट कर सकते हो और इसको ऊपर में आपको यहाँ पर लाइट कलर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा परसेंटेज आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ये वाला को इस तरीके से। आपको जो भी आपको मैनेज वगैरह करना है आप मैनेज वगैरह कर सकते हो। इसके ऊपर आपको ये आपको ब्लू कलर रखना है दोस्तों। यहाँ पर इसको मैं ब्लू कलर ही कर रहा हूँ ताकि दिखने में काफ़ी कलर अच्छा लगता है। इसको मैं थोड़ा सा लाइट कलर देना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं इसको येलो टोन देना चाहूँगा, तो इस तरीके से दिखने में काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन लग जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो जो भी कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मेंटेन वगैरह करना है, उसके बाद आपको इस शेप्स को आप डिलीट करना चाहोगे भी डिलीट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको सिंपली इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए, शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए आपको जाना है दोस्तों ये वाला शेप्स के अंदर, डायमंड शेप्स के अंदर। तो यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए ड्रॉ करना है, इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। रोटेट करते हुए आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। आपको जो भी लोगोज वगैरह है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको शेप फिल कलर या फिर आपको व्हाइट कलर रखना है तो व्हाइट कलर रख सकते हो। शेप आउटलाइन थोड़ा सा वेट बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। इसको कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट करना है, इसके ऊपर रखना है और शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते इसको आप थोड़ा सा छोटा करना है। अब आपको जो भी कलर वगैरह पसंद है तो आपको आउटलाइन कलर देना है दोस्तों। मैं फिलहाल के लिए तो रेड कलर रखना चाहूँगा, ग्रीन कलर ही रखूँगा, तो दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगता है दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए फिर से आपको शेप्स पर जाना है, रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है और इसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर शेप्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, इसको आप मैनेज कर लीजिए। और उसके बाद सिंपली आपको शेप आउटलाइन कलर नो आउटलाइन करना है, उसके बाद एडिट पॉइंट और ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है शिफ्ट होल्ड करते हुए। आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए इस तरीके से, और इसके बाद थोड़ा सा इसको भी मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, जो भी आपको कलर वगैरह देना है या फिर आउटलाइन के ऊपर आपको ग्रेडियंट कलर वगैरह बनाना है तो भी आप बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट लाइन भी आपको सामने दिख जाएगा, जो भी आपको ग्रेडियंट कलर पसंद है आप सेलेक्ट करते हुए ग्रेडियंट कलर वगैरह आपको चाहते हो तो आप यहाँ पर खुद अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से जो भी आपको ग्रेडियंट कलर वगैरह पसंद है आप इस तरीके से फिल कर सकते हो। तो कितना आसानी से यहाँ पर देखिए बन चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैनेज वगैरह करना है इस तरीके से। और मैनेज करने के बाद दोस्तों इस शेप्स को आपको कंट्रोल डी करते हुए कॉपी करना है और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर इसको सेट करना है, थोड़ा सा मैनेज करते हुए इसके ऊपर सेंड बैकवर्ड करना है और उसके बाद आपको जो भी इसके ऊपर कलर देना है आप दे सकते हो, ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है। और उसके बाद एडिट पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हुए ये वाला पॉइंट का आप इस तरीके से मैनेज कर लीजिए।
मैनेज करने के बाद दोस्तों आप इस पॉइंट को थोड़ा सा हैंडल पकड़ते हुए इस तरीके से आपको रखना है तो भी आप रख सकते हो, ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगता है डिज़ाइन। और उसके बाद सिंपली इसकी के ऊपर आपको जो भी कलर पसंद है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। मैं मोर फिल कलर के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड कलर के ऊपर क्लिक करते हुए मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर इसके ऊपर फिल करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए इसके आउटलाइन में वाइट वगैरह भी आप चाहे तो करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो भी आउटलाइन वगैरह कलर पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर वाइट ही कलर कर लेता हूँ। थोड़ा सा आउटलाइन यहाँ पर मैं इंक्रीज करना चाहूँगा तो इसके ऊपर क्लिक करते हुए थोड़ा सा आउटलाइन इंक्रीज करूँगा तो इस तरीके से। और इसको सेंड बैकवर्ड करना चाहूँगा भी कर सकते हो इस तरीके से, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो इस वाले को इस तरीके से, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से मैनेज कर लीजिए, मैनेज करना है दोस्तों आपको ये वाला को। मैं ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी 0 करना चाहूँगा 100 तो कुछ इस तरीके से दोस्तों। देखिए इतना तक काम हो चुका है, इसका थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। और इतना काम होने के बाद दोस्तों फिर से आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से शेप्स के ऊपर ही क्लिक करना है और इसी के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ करना है। इस एक साइड के ऊपर ड्रॉ करने के बाद दोस्तों फिर से आपको सेंड बिहाइंड करना है दोस्तों, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। और उसके बाद इसी को आपको यहाँ पर ग्रेडियंट कलर देना है। आप चाहे तो जो भी आपको ग्रेडियंट पसंद है आप दे सकते हो, फिलहाल के लिए तो मैं ये वाला ग्रेडियंट देना चाहूँगा। तो इस तरीके से आपको ग्रेडियंट फिल वगैरह आपको यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। ब्राइटनेस आपको कम ज़्यादा रखना है तो आप रख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी आपको कम ज़्यादा करके इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद दोस्तों फिर से आपको इस साइड के ऊपर भी काम करना है। अभी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि यहाँ से आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हो, शेप्स थोड़ा सा इस तरीके से शेप्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों अभी मैं इसको एडिट पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हुए इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना चाहूँगा और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख जाएगा दोस्तों। फिर से आपको आउटलाइन, नो आउटलाइन, इसके ऊपर भी कलर सेम कलर आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर जो कलर अप्लाई किया था वही कलर मैंने अप्लाई किया है दोस्तों। और उसके बाद फिर से आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए शेप्स के ऊपर क्लिक करते हुए रेक्टेंगल शेप्स ही सेलेक्ट करना है और फिर से आपको यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल शेप्स आपको ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब इसको एडिट शेप्स के ऊपर क्लिक करते, इसको कंट्रोल होल्ड करते इस तरीके से क्लिक करते हुए तो आपको ये एक साइड रिमूव होकर आएगा दोस्तों। और उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैनेज वगैरह कर लीजिए तो इसके ऊपर आपको जो भी कलर पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर से आपको इस साइड भी इसी तरीके से आपको मेंटेन करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ, आउटलाइन नो, और यहाँ पर मैं फिर से एडिट पॉइंट और ये पॉइंट के कंट्रोल होल्ड करते इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको जो कलर पसंद है फिर से आपको वही कलर अप्लाई करना है। इस तरीके से ये पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, शेप्स के ऊपर क्लिक करते हुए फॉर्मेट शेप्स के ऊपर और उसके बाद आपको सेंड बैकवर्ड करना है तो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। और उसके बाद सिंपली आपको इसी को आउटलाइन वगैरह आपको बनाना है तो आउटलाइन कलर वगैरह आप दे सकते हो वाइट कलर। थोड़ा सा आपको आउटलाइन वगैरह इंक्रीज करना है तो आप आउटलाइन वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, मैनेज कर लीजिए। और इसी को कंट्रोल डी कर दे होल्ड कर लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर इसको कॉलर, इसको आउटलाइन रिमूव कर लीजिए, नो आउटलाइन, और इसके ऊपर इस तरीके से मैनेज कर लीजिए तो आपको इस तरीके से डिज़ाइन देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसको सेव्ड सेंड बैकवर्ड कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से डिज़ाइन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको मैनेज कर लीजिए, इसको आप जो भी इफेक्ट वगैरह, प्रीसेट वगैरह, शैडोज वगैरह आपको देना है तो आप इस तरीके से शैडोज वगैरह भी दे सकते हो। फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए, इसके ऊपर भी क्लिक कीजिए और यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए, शैडोज वगैरह आपको जो भी शैडोज वगैरह देना है इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी को कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट कर लीजिए, इसको शिफ्ट होल्ड करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, सेंड बैकवर्ड कर लीजिए कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर आपको ये वाला आपको थोड़ा सा शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको सेट करना है।
और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद दोस्तों इसको आप जो भी आउटलाइन वगैरह देना चाहते हो तो आप यहाँ पर आउटलाइन वगैरह दे सकते हो। थोड़ा सा वेट वगैरह आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हो। कितना आसानी से इतना तक दोस्तों देखिए काम हो चुका है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर लीजिए आगे, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों कितना आसानी से ये काम भी यहाँ पर हो चुका है। होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट वगैरह अप्लाई करना है, ये यानी कि बैक का काम कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इसी को कंट्रोल होल्ड कर दो, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों फिर से आपको मैनेज करना है, इसको आप जो भी कलर वगैरह आपको देना चाहोगे आप दे सकते हो। बैक करना है, इसको आउटलाइन वगैरह आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। यहाँ पर आपको आउटलाइन वेट थोड़ा सा बड़ा करना है और उसके बाद आपको आउटलाइन कलर व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, इसको आप सेंड बैकवर्ड कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये भी डिज़ाइन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, मेंटेन करना ही पड़ेगा दोस्तों आपको, थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए और आपको इस तरीके से यहाँ पर काम करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने कंप्लीट यहाँ पर काम कर चुका हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना चाहूँगा तो देखने में काफ़ी कूलर अच्छा लगता है। और उसके बाद सिंपली इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए, शेप्स के ऊपर क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पर ये शेप्स ड्रॉ करना चाहूँगा। आपको जो भी टेक्स्ट है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह आपको यहाँ पर अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर आउटलाइन जो भी कलर का आउटलाइन आपको बनाना है आप बना सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं आउटलाइन ये वाला कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेफिल कलर वाइट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर जो भी मैंने टेक्स्ट लिखना चाहूँगा वो मैं आसानी से सब कुछ यहाँ पर लिखना चाहूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए कितना आसानी से बना चुका है। आपको जो भी कंटेंट वगैरह है, आपको जो भी बीच में जो भी आपको काम करना है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हो, वर्ड के अंदर क्लिक करते हो, आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मैं एक कंपनी नेम टाइप कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक कंपनी नेम टाइप किया है। इसको मैं शिफ्ट होल्ड करते हुए रोटेट करूँगा तो यहाँ पर फिल करूँगा, इसको सभी को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करते थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करता हूँ ताकि सब कुछ आसानी से यहाँ पर सेट हो जाए। तो इस तरीके से आपको पकड़ते हुए आपको यहाँ पर रखना है। तो रखने के बाद आपको अलाइनमेंट वगैरह मैनेज करना है। तो इतने होने के बाद दोस्तों इस तरीके से काम हो चुका है। आपको जो भी टाइटल वगैरह लिखना है तो आपको फिर से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है दोस्तों बुक कवर, आपको जो भी बुक कवर है आप वही आपको यहाँ पर नेम लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर COMPUTER कंप्यूटर टाइप करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया दोस्तों बोल्ड फॉन्ट, आप बोल्ड फॉन्ट ही सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, नो स्पेसिंग कर रहा हूँ और इसको बोल्ड इम्पैक्ट फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बोल्ड टाइप करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर टाइप किया है और इसके ऊपर कंट्रोल होल्ड करते इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ बेसिक बुक। तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको सेंटर के ऊपर मैनेज करूँगा। तो मैनेज करने को दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और फॉन्ट छोटा करूँगा, 68 के आसपास करूँगा तो देखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगता है। तो आप चाहे तो इसको जो भी और एक फॉन्ट वगैरह आपको अप्लाई करना है तो आप यहां से इस तरीके से जो भी आपको फॉन्ट पसंद है अप्लाई कर लीजिए, दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगता है। आपको जो भी लोगोज वगैरह है आप यहां पर अप्लाई कर लीजिए। तो यहां पर मैंने लोगो वगैरह भी अप्लाई करने के लिए इंसर्ट के ऊपर प्लीज पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करते हुए यहां पर मैं एक लोगो यूज़ करना चाहूँगा, ये वाला लोगो। तो यहाँ पर मैं रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करते हुए, शिफ्ट होल्ड करते हुए छोटा करूँगा और यहाँ पर इसको सेट करूंगा तो दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगता है दोस्तों इस तरीके का डिज़ाइन। और उसके बाद आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना चाहूँगा। तो रैंडमली टेक्स्ट यहाँ पर मैंने टाइप किया है दोस्तों इस तरीके का। अब भी इस तरीके का एक टेक्स्ट आसानी से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हो। इसको सब आउटलाइन नो करना है, सेफ फिल कॉलर भी आपको नो करना है। तो आप आसानी से ये सब कुछ इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह है
आप अप्लाई कर लीजिए जो भी आपको कोर्स वगैरह लिखना है और एक ज़्यादा लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर बैक टू बैक कवर पेज डिजाइन कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।